नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सोयाबीन आलू की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर होगी। तो आइए सोयाबीन आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने दो आलू ले लिए, लगभग 250 ग्राम आलू हैं, और आधा कप हमने सोयाबीन के दाने लिए, लगभग 100 ग्राम सोयाबीन के दाने, जो हमने धोकर ओवरनाइट 8-10 घंटे पानी में भिगो लिए हैं। दो टमाटर मीडियम साइज के, दो हरी मिर्च और 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया, 3 टेबलस्पून तेल, आधा छोटी चम्मच जीरा, एक पिंच हींग, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक, या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। तो सोयाबीन आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये भीगे हुए सोयाबीन के दाने कुकर में डाल करके उबलने रखेंगे। सोयाबीन के दानों को कुकर में डाल देंगे और 1 कप पानी डाल देंगे। कुकर बंद कर देते हैं। सोयाबीन के दानों को कुकर में 1 सीटी आने के बाद गैस धीमी करेंगे और 6-7 मिनट तक धीमी गैस पर पकने देंगे। जब तक हमारे सोयाबीन उबलते हैं, तब तक हम टमाटर हरी मिर्च को पीस करके मसाला तैयार कर लेते हैं। टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट देंगे ताकि ये आसानी से पीस सके। हरी मिर्च के भी 2 टुकड़े कर देते हैं और एकदम बारीक इनको पीस कर तैयार कर लेंगे। ये हमने बारीक मसाला पीस कर तैयार कर लिया। कुकर में सीटी आ गई है और अब हम गैस धीमी कर देंगे और 6-7 मिनट तक सोयाबीन के दानों को धीमी गैस पर पकने देंगे। ये हमने कुकर में 1 सीटी आने के बाद पूरे 7-8 मिनट तक पका लिए हैं धीमी गैस पर, और अब हम कुकर को गैस से उतार देते हैं और कुकर खुलने तक सोयाबीन के दानों को इसी में रहने देंगे। और जब तक हमारा कुकर खुलता है, तब तक हम कढ़ाई में आलू बना करके तैयार कर लेते हैं। तो हम आलू छील कर, काट कर और छौंकते हैं। कढ़ाई गर्म हो रही है। कढ़ाई में हम 1/2 तेल डाल देंगे। आलू को हम थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं, यानी 1 आलू के 8 टुकड़े कर ले रहे हैं। और ये आलू के टुकड़े, तेल गर्म हो गया है और हम इस तेल में डाल देंगे। हमें आलू के टुकड़े कुक करने हैं, यानी कि पकाने हैं इन्हें नरम होने तक। तो ये हमने तेल में डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसको चला देते हैं और अब हम इन आलू को ढक कर के धीमी गैस पर बिना पानी डाले ही पकने देंगे। गैस बिल्कुल धीमी रखेंगे और इस तरीके से पके हुए आलू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये हम धीमी गैस पर पका रहे हैं, इनको हम रख देते हैं दूसरी गैस पर। तब तक हम सब्जी के लिए मसाला भून करके तैयार करते हैं। पैन गरम कर लेंगे और पैन में तेल डाल देंगे। बचा हुआ तेल हम डाल देंगे पैन में। गरम तेल में जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। और अब इस मसाले में टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे।
लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल ना अलग होने लगे। और जो आलू हमारे पक रहे हैं दूसरी ओर, उनका भी ध्यान रखेंगे, उनको हम बीच बीच में चला देंगे। ये आलू हम बिल्कुल धीमी गैस पर पका रहे हैं। तो हर 3-4 मिनट में हम आलू को खोल करके चला दिया करेंगे। ये मसाला हमारा भुन गया है और अब हम अपना कुकर भी खोलते हैं। प्रेशर ख़त्म हो गया है, कुकर खुल गया है, हमारे सोयाबीन के दाने भी उबल करके तैयार हो गए हैं। तो मसाले में हम सोयाबीन के दानों को डाल देंगे, या तो छलनी में निकाल लें कि पानी निकल जाए, सिर्फ हमें दाने चाहिए। ये मैं चमचे से दाने निकाल करके मसाले में डाल दे रही हूँ। ये दाने हमने टमाटर में मिक्स कर दिए हैं, ये नमक भी मिक्स कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। गरम मसाला भी डाल देते हैं और सोयाबीन के दानों को मसाले के अंदर 4-5 मिनट तक पकने देते हैं, ढक देते हैं इसे। और जो हमारे आलू पक रहे हैं उनको हम चला के देखते हैं कि वो कैसे हो रहे हैं। आलू को हम दबा कर देखिए, आलू अच्छे से दब रहे हैं, आलू कुक हो गए हैं। और ये जो आलू हमने इस तरीके से पकाए हैं, इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। वैसे हम सब्जी में उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं। ये आलू हमारे पककर तैयार हो गए हैं और 4-5 मिनट तक हमने मसाले के साथ सोयाबीन के दानों को भी पका लिया है। अब हम सोयाबीन के दानों को आलू में मिक्स कर देंगे। सब्जी में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। सोयाबीन आलू की सब्जी पक करके तैयार है, हम इसे प्याले में निकाल लेते हैं। और हरा धनिया ऊपर से डाल करके सब्जी की गार्निश कर देंगे। सोयाबीन आलू की सब्जी बन करके तैयार है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। और इतनी सब्जी साइड डिश के रूप में परिवार के 4-5 सदस्यों को परोसी जा सकती है। सोयाबीन आलू की सब्जी को चपाती, पराठे या चावल किसी के भी साथ परोस सकते हैं। आप सोयाबीन आलू की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।